नमस्ते साथियों, एसएससी जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। जो मुगल साम्राज्य, एक तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। मुगल साम्राज्य जो है, उसमें सबसे पहले प्रश्न आता है कि मुगल कौन थे। तो मुगल माता की ओर से मंगोल शासक थे, जो चंगेज खान है उसके वंशज थे। चंगेज कौन था? चंगेज चीन और मध्य एशिया में अपना प्रभाव रखता था, लेकिन उसकी स्मृतियाँ बेकार है। स्मृति बेकार का मतलब उसने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, लोगों का कत्ल किया और बेवजह मारा, इसलिए वो इसके शासक, इसके वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे जो मुगल थे। और पिता की तरफ से वो तुर्क तुर्क थे, यानी जो ईरान, इराक और तुर्की के जो शासक थे तैमूर, उस तैमूर के वंशज थे। तो ये तुर्क कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे बजाय मंगोल। इस पे इसको गर्व होता था, क्योंकि उसने ईरान, इराक, तुर्क में बहुत अच्छा काम किया था तैमूर ने। और दूसरी बात, 1398 में जो इनका जो था पूर्वज, उसने दिल्ली पर कब्जा भी किया, इसलिए इनको गर्व महसूस होता है। इसलिए ये ज़्यादातर अपना नाम तुर्क के साथ जोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये मुगल वंशावली। सबसे पहले बात करें तो जो मुगलों का वंश था उसको तैमूर से शुरू होता है। तो जो तैमूर है, तैमूर, तैमूर के बेटे का नाम था मीरन शाह। मीरन शाह के बेटे का नाम था अबू सैद। अबू सैद का बेटा था मोहम्मद मिर्जा। मोहम्मद मिर्जा का बेटा था उमर शेख। उमर शेख का बेटा बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। और जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब जो है, औरंगजेब का शासन था। अब इनके साथ बेटे तो और भी थे, लेकिन इनके यहाँ ज़्यादातर उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ होती थी, और जो बेटा ज़्यादा ताकतवर या जिस बेटे के पक्ष में सरदार वगैरह हो जाते थे वही गद्दी पर बैठ जाता था। अब हम बात करें, मुख्य जो वंश है वो बाबर से शुरू होता है, क्योंकि बाबर से ही भारत देश में शासन शुरू होता है मुगलों का। बाबर का शासन 1526 से 1530 के मध्य रहा है। ये 1494 में फरगना का राजा बना। उस समय इसकी उम्र 12 वर्ष थी, जो बाबर था। इसने वहाँ से उज्बेको भगाया, उज्बेको को 1504 में काबुल की गद्दी पर कब्जा कर लिया। और 1526 में पानीपत के युद्ध में, जहाँ का यहाँ का राजा था इब्राहिम लोदी, जो सल्तनत का अंतिम राजा था, दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत के कई राजा हुए हैं, जैसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो ये अंतिम वंश था, इसके बाद फिर मुगलों का शासन हो गया जो लंबे समय तक चला। फिर इसने 1527 में जो राणा सांगा था, राजस्थान का जो राजपूत था, उसके साथ युद्ध किया खानवा में, और राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध किया, राजपूतों को हराया। और इस युद्ध की विशेषता ये थी, जो 1526 का युद्ध था इसमें पहली बार तोप और गोलीबारी का प्रयोग हुआ था, और युद्ध की इसने परिभाषा बदल दी। और जेहाद के लिए युद्ध लड़ा गया था। जेहाद का मतलब धर्म के नाम पर युद्ध लड़ने का प्रचलन चलाया। इसके बाद हुमायूं। हुमायूं का शासन दो बार में हम देख सकते हैं, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। इसने, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति था, इसने अपनी जायदाद बांटी भाइयों में। कामरान ने इसको धोखा दिया था, बाकी और भाई इसके अच्छे थे। कामरान ने धोखा दिया और जो और सरदार थे उज़्बेक, उनके साथ मिलकर, और ये शेर खान ने इसको चौसा में हरा दिया। शेर खान का इसने सहयोग किया 1539 में। शेर खान ने इसको हरा दिया और 1540 में कन्नौज में हरा दिया। आखिरकार ये ईरान भाग गया। वहाँ इसने सफाविद शाह की मदद ली, और सफाविद शाह की मदद के बाद ये वापस सम्राट बना 1555 से 56 के बीच। अब हम बात करें अकबर की। अकबर का शासन बहुत ही बढ़िया शासन माना जाता है, अकबर दी ग्रेट भी कहा जाता है। और ये सबसे बढ़िया बात यह है कि इसने सांप्रदायिक, जो सांप्रदायिकता उसको भुलाकर, और सभी सर्वत्र ए शांति, सर्वत्र शांति की स्थापना की। सुलह कुल की इसने नीति अपनाई थी। इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, और वहाँ कई 1570 में कई संतों को बुलाया, सभी धर्मों के प्रमुख जो विद्वान होते हैं, जैसे जेसुइट पादरी संत है, जैसे दादू दयाल जी है, उन सब से इसने मुलाकात की और
इसने कहा कि जो मतांधता है उसको हटाकर और हमें किसी एक ईश्वर की तरफ जाना होगा और सबका मालिक एक है। इस प्रकार इसने इबादत खाना बनाया और सांप्रदायिक तरह की मिसाल पेश की, सौहार्द की मिसाल पेश की। अकबर 13 वर्ष के समय राजा बना था। पहला इसका काल है, इसके 3 काल बांटे जाते हैं 3 प्रकार से। पहला है 1556 से 1570, इसमें बैरम खां से स्वतंत्र हो गया क्योंकि बैरम खां इसका संरक्षक था अकबर का। अकबर जब बालक था तो बैरम खान ही इसके साथ काम, बैरम खान ही इसको सलाह वगैरह देता था, लेकिन इसको ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसने बैरम खां को लास्ट में मरवा दिया, इसको हज पे भेज दिया बैरम खां को। फिर इसने मालवा, गोडवाना यहाँ कब्जा कर लिया और मिर्जा हाकिम को हराया। 1568 में जो राजस्थान का चित्तौड़ है, राजपूतों की भूमि, वहाँ इसने युद्ध किया और हरा दिया उन वहाँ के राजा को। 1569 में रणथंबोर पर कब्जा किया। सेकेंड पार्ट है इसका 1576 से 1585, इसी दौरान हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, लेकिन प्रताप को ये जीत नहीं सका। प्रताप को अगर जीत भी लिया तो प्रताप को अपने दरबार में नहीं बुला सका। महाराणा प्रताप ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसने कभी भी आज़ादी से समझौता नहीं किया और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें इसकी तरफ से, अकबर की तरफ से मान सिंह था और प्रताप की सेना ने खूब लोहा लिया। 1570 से 85 के बीच इसने गुजरात, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जीत हासिल की। अपने जो मनसबदार थे, विशेषकर जो मान सिंह था, मान सिंह के नेतृत्व में ये काम किया। 1585 और 1605 के बीच कांधार, कांधार में सफाविदों को हराया। कश्मीर और काबुल, काबुल में मिर्जा हाकिम को हराया। दक्खन में 3 जो रियासत थी, बरार, खानदेश और अहमदनगर, इन तीनों पे इसने कुछ स्तर पे विजय प्राप्त की। अकबर की कई बातें थी, जैसे सूबेदार, सूबे का जो प्रमुख होता था, सूबा एक राज्य, जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल होता है, ऐसे ही राज्य का राज्यपाल वैसे सूबे का सूबेदार होता था। दीवान, हमारे जैसे वित्त मंत्री होता है या फाइनेंस सेक्रेटरी बोल सकते हैं, दीवान कौन था, वित्त विभाग का मुखिया होता था। अब जहांगीर की बात करें हम, अकबर की बात एक और है कि अकबर के समय एक विद्वान था अबुल फजल, जो अकबर का मित्र भी था, कवि था, लेखक था। इसने एक बहुत बढ़िया ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा जो है, अकबरनामा 3 जिल्दों में लिखा गया है। पहली जिल्द है उसके पूर्वजों से संबंधित बातें, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि ये पूर्वज है, पूर्वजों के आचार विचार जो भी है। दूसरा शासन से संबंधित है, दूसरी जो इसकी पार्ट है, 3 पार्ट अकबरनामा के। तीसरा पार्ट है उसे बोलते हैं आईन अकबरी, यानी आईन अकबरी छोटी है, अकबरनामा बड़ा है, ये ध्यान रखना है। आईन अकबरी जो है उसमें मुगल प्रशासन, मुगल घराना, यानी मुगल हरम में क्या चल रहा होता था, मुगल सेना और राजस्व किस प्रकार उगाया जाता था, कैसे उगाया जाता था, मुगलों के समय भौगोलिक स्थिति कैसी थी, जमीन जायदाद कैसी थी, ये सभी इसमें आईन अकबरी में वर्णन किया गया है। इसके बाद है जहांगीर। जहांगीर जो था उसका कार्यकाल है 1605 से 1627। इसने जो मेवाड़ का राजा था अमर सिंह, उसको हराया, उससे संधि की और सिखों को हराया, अहोमों को हराया और अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। इसने मेहरुन्निसा से शादी की 1611 में, जिसका नाम बाद में नूरजहाँ पड़ा। इसको बचपन में सलीम के नाम से जाना जाता था। फिर है शाहजहाँ, इसका बचपन का नाम था खुर्रम और इसका काल है 1627 से 1658। इसने दक्खन, खानजहान लोदी और बुंदेलों को हराया, ओरछा पर कब्जा किया और ऐसे ही बल्ख पर कब्जा करके उज्बेकों को हराया और 1600, लेकिन उज्बेकों को हराने में ज़्यादा सफल नहीं रहा। 1632 में अहमदनगर पर औरंगजेब ने 1632 पर अहमदनगर पर कब्जा किया। औरंगजेब ने दारा शिको तथा 2 भाइयों को मार दिया, यानी जो शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब शाहजहाँ का बेटा था, उसने दारा शिको और 2 भाइयों को मार दिया और ये मुगल का मुगल शासक बन बैठा। बड़ा ही एक क्रूर राजा था और एक तरह से कहे कि कट्टरवादी राजा था ये। औरंगजेब का काल 1658 से 1707। इसने उत्तर पश्चिमी यूसुफजई और सिखों से इसे कम सफलता मिली, लेकिन इसने कुछ उनके लिए किया, मतलब हमला किया उन पर। इसके समय विद्रोह ज़्यादा हुए, मारवाड़ के राठौड़ों ने विद्रोह किया। तो क्यों किया विद्रोह, क्योंकि मुगल हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए इसने
राठौड़ों के साथ युद्ध भी किया। शिवाजी ने इसके समय बहुत आतंक मचाया, क्योंकि शिवाजी भी वही महाराणा प्रताप के जैसे ही थे, इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और शिवाजी को इसने बंदी बना लिया, कैद कर लिया। इसके समय जैसा इसने ऊपर किया था, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, इसने अपने पिता से खुश नहीं था। ये अपने पिता को, इसने जो अपना ताजमहल है उसके बगल में जो किला है आगरे का, उसी में इसको कैद कर रखा था। इसलिए इसने इसके पिता के साथ किया, ऐसा ही इसके साथ किया राजकुमार अकबर ने, विद्रोह कर दिया। और अकबर ने इसके विद्रोह के साथ खुद राजा बन गया। अब हम बात करें, इसने लास्ट में तीन अच्छे काम वो किए कि 1685 में बीजापुर को, और 1687 में गोलकुंडा को, और 1698 में मराठों को विजित किया। जो काम इसके वंशज नहीं कर पाए वो इसने लास्ट में कर दिया। लेकिन इसके समय फिर क्या हुआ, उत्तर भारत में भी सिखों, जाटों, सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोमों पर इसने विजय प्राप्त की। लेकिन इसके बाद फिर जो सूबेदार थे उनकी गुटबंदी चरम पर पहुंच गई, और वो आपस में अपना स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए प्रयास करने लगे। जैसे अवध है, अवध में शहादत खान था, वो सूबेदार था, लेकिन शहादत खान था, उसने खुद वहाँ का नवाब बन बैठा। तो इस प्रकार इसके समय 18वीं सदी में जो मुगल वंश था वो लगभग धराशायी हो गया, केवल नाम का रह गया। और इसका जो अंतिम वंशज था वो था बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किया था, और अंत में अंग्रेज़ों ने इसको पकड़ के और रंगून भेज दिया, और वहाँ इसको फांसी भेज लगा दी, और इसके दो बेटों को दिल्ली में जो पुराना किला है उसके सामने टकवा दिया। तो इस प्रकार ये मुगल वंश का अंत हो गया। मुगल वंश के समय अकबर के समय बहुत बढ़िया चीज़ ये थी मनसबदारी। मनसबदारी क्या है, जैसे आज के यहाँ IAS IPS होते हैं, जैसे आज के यहाँ अधिकारी होते हैं, ऐसे नौकर शाह होते थे मुगल काल में। मनसबदारी, मनसबदार होते थे नौकर शाह। अब ये इसमें तुर्क भी होते थे, क्योंकि तुर्क तो शुरू से ही रहे हैं उनके साथ, और राजपूतों पर इन्होंने विश्वास किया। अकबर के समय से राजपूतों के साथ बहुत ज़्यादा संधियाँ की गई। अकबर बड़ा दिमागदार था, वो चाहता था भाई राजपूतों का दिल जीत लेते हैं, राजपूतों के साथ संधि विवाह वगैरह संबंधित स्थापित ज़्यादा की। अकबर ने नागौर के राजा के साथ विवाह किया, जयपुर का राजा था आमेर का भारमल, भारमल की जो बेटी थी जोधाबाई उसके साथ इसने शादी की, मारवाड़ का राजा था मोटा राजा उदय सिंह, उसकी बेटी थी मानमती, उसके साथ इसने शादी की। अकबर ने वैवाहिक संबंध बहुत ज़्यादा बनाए। नागौर के राज दरबार में भी इसने शादी की, दरबार लगाया नागौर में, राजस्थान में। तो इसने राजपूतों को अपना मनसबदार बनाया, और उनको पद देता था, वेतन देता था, और सैन्य, तीन प्रकार से उनकी मनसबदारी तय होती थी। उनका पद यानी ओहदा, जैसे कोई कहता था 7,000, कभी 5,000, यानी इसके पास कितने घोड़े हैं, 7,000 घोड़े वाला 7,000, 5,000 घोड़े वाला 5,000। वेतन भी दिया जाता था इनको, और सैनिक भी इनको उपलब्ध कराए जाते थे। और जो जागीर कहलाती थी वो इकता कहलाती थी, जागीर यानी जागीर से इनको जो राजस्व मिलता वो वेतन मिलता था। अब जागीरदारी क्या है, जागीरदारी जो भी गांव का या शहर का मुखिया है, जो सरदार है, वो जागीरदार कहलाता था। उसका काम क्या था, उसका काम था जो राजस्व एकत्र करते थे, राजस्व एकत्र करना, राजस्व यानी जो लगान है, जो टैक्स है, वो इकट्ठा करना, ये जागीरदार का काम था। और जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजस्व की व्यवस्था है, यानी टैक्स उगाने की व्यवस्था है, टैक्स कितना होगा, किस पर होगा, इसको जब्त कहते थे, जब्त प्रणाली। तो जब्त प्रणाली मुगल काल की विशिष्ट है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको सब्जेक्ट, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।